1456 में आज एक दिन जर्मनी में छापा मशीन से बाइबिल की पहली प्रति छापी गई, जिसे गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से जाना जाता है। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की 300 प्रतियां प्रकाशित कर पेरिस और फ्रांस देशों को भेजी। गुटेनबर्ग बाइबिल लैटिन भाषा में छपी थी। 1847 में गुटेनबर्ग बाइबिल की पहली प्रति एक अमेरिकी नागरिक के साथ अमेरिका पहुंची। बाइबिल की पहली प्रति को आज भी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में देखा जा सकता है। 1439 में योहानिस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। इसके करीब 100 वर्षों पहले चीन में लकड़ी के गुटकों से प्रिंटिंग और घूमने वाली छपाई मशीन का प्रयोग हो रहा था, लेकिन गुटेनबर्ग की छपाई मशीन उनसे अलग थी। गुटेनबर्ग की तकनीक से बनी छपाई मशीन जल्द ही पूरे यूरोप और बाद में पूरे संसार में प्रयोग की जाने लगी। 1908 में आज एक दिन मशहूर क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म हुआ था। क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों दोस्त थे। ये तीनों एक साथ मिलकर देश में फैले अंग्रेजी शासन को खत्म करना चाहते थे। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। 1954 में आज एक दिन ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति गेटुलियो वर्गास ने आत्महत्या कर ली थी। गेटुलियो वर्गास ने खुद को गोली मारी थी। उनका शव बरामद होने के 2 घंटे बाद उनका सुसाइड नोट राष्ट्रीय रेडियो पर पढ़ा गया। इस सुसाइड नोट में गेटुलियो ने शिकायत की थी कि ब्राजील के लोगों को आजादी दिलाने के उनके प्रयास विदेशी ताकतों के चलते सफल नहीं रहे। उन्होंने ब्राजील की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया था। आज एक दिन 1993 में पॉप स्टार माइकल जैक्सन के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच शुरू हुई थी। माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के साथ यौन छेड़छाड़ करने का आरोप था। जांचकर्ताओं ने पीड़ित बच्चे समेत माइकल जैक्सन के नेवरलैंड रेंच पर आने जाने वाले कई दूसरे युवाओं से पूछताछ की। इस दौरान माइकल जैक्सन थाईलैंड के दौरे पर थे और उनके वकील ने जैक्सन की तरफ से बयान जारी कर कहा कि माइकल को कानून व्यवस्था और जांचकर्ताओं पर पूरा यकीन है। जांच के नतीजे जैक्सन की बेगुनाही साबित करेंगे। माइकल जैक्सन के वकील ने यह भी कहा कि लगभग हर वर्ष जैक्सन को ब्लैकमेल करने के इरादे से इस तरह के करीब 30 मामले सामने आते हैं। आखिरकार लंबी कार्रवाई के बाद 2005 में माइकल जैक्सन सभी आरोपों से बरी हो गए। और 2008 में आज एक दिन बीजिंग में 29वें रियो ओलंपिक खेल का समापन हुआ था। 8 अगस्त को बीजिंग में रियो ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मेजबान शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हजारों चीनी युवा बतौर वॉलंटियर शहर की हर छोटी बड़ी सड़क पर देसी विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए मुस्तैद थे। बीजिंग ने ओलंपिक खेल समारोह को किसी भी तरह की समस्या से और असुविधा से मुक्त रखना चाहता था। चीन के अधिकतर लोगों को महज अपनी मातृभाषा ही आती है, लेकिन इन खेलों के दौरान चीन ने 22 भाषाओं के तकरीबन 12,000 भाषा विशेषज्ञों को बतौर वॉलंटियर तैनात किया था।